हेलो एवरीवन, हम इस लेक्चर में चैप्टर 6 का जो बी पोर्शन है आपका, बी पार्ट गियर ट्रेन, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले गियर ट्रेन और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं गियर ट्रेन होता क्या है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स होता है, जैसे कि एक से अधिक आपके गियर होंगे, ठीक है। ये शाफ्ट है और ये गियर, तो ये कॉम्बिनेशन है जो गियर्स के, उसको आप बोल सकते हो गियर ट्रेन। मेन पर्पस क्या होता है? टू ऑब्टेन लार्ज स्पीड रिडक्शन। अब इसके जो टाइप्स होते हैं, पहला टाइप से आपका सिंपल गियर ट्रेन, दूसरा है कंपाउंड गियर ट्रेन, तीसरा है रिवर्टेड गियर ट्रेन, चौथा है एपिसाइक्लिक और प्लेनेटरी गियर ट्रेन। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है आपका सिंपल गियर ट्रेन। अब इसमें ध्यान देंगे, हर एक शाफ्ट में आपका सिंगल गियर होगा, ठीक है। तो ये सिंपल गियर ट्रेन होते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, दो एक्सटर्नल गियर जब भी आपस में मैश करेंगे तो ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। जैसे कि ये गियर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये गियर इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और यदि ये इंटरनल गियर हुआ, जैसे कि ये ए गियर है और ये बी गियर है, तो ये आपस में जब मैश करेंगे तो दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। यदि बी इधर मूव कर रहा है तो आपका ए भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो इंटरनल गियर में क्या होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, और एक्सटर्नल में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में गियर्स रोटेट करते हैं, दो गियर जब आपस में मैश करते रहेंगे। इसके बाद है स्पीड रेशियो। ये क्या होता है, स्पीड ऑफ ड्राइवर शाफ्ट या गियर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ड्रिवन शाफ्ट या फिर गियर। तो इनके रेशियो को आप स्पीड रेशियो बोलोगे। अब ये इक्वेशन है, इसको भी आपको ध्यान देना है। ये क्रॉस रहेगा आपका स्पीड और नंबर ऑफ टीथ के बीच रिलेशन। उसके बाद ट्रेन वैल्यू क्या होता है, इनवर्स ऑफ स्पीड रेशियो। जैसे कि इस डायग्राम का आपको स्पीड रेशियो निकालना है, तो ये क्या होगा, देखिए 1 और 2 ये आपस में कांटेक्ट में है, मैश कर रहे हैं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। वैसे ही 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, 3 और 4 भी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे एक दूसरे के, और 4 और 5 भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। जब आप रिलेशन निकालोगे तो आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 1 आपका ड्राइवर है और जो 5 गियर है वो आपका, 5th नंबर का जो गियर है वो आपका ड्रिवन गियर है। तो इनके बीच आपका जो 2, 3, 4 ये नंबर के गियर्स हैं, ये क्या है, इंटरमीडिएट गियर्स हैं। तो ये स्पीड रेशियो में कोई भी इफेक्ट नहीं डालते, ध्यान देना, इंटरमीडिएट गियर्स। तो इसीलिए इसे आइडलर गियर्स भी कहते हैं। उसके बाद है आपका कंपाउंड गियर ट्रेन। तो कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या होता है, जो फर्स्ट और लास्ट जो शाफ्ट होता है उसमें ही केवल सिंगल गियर्स होते हैं, बाकी में आपका क्या है, मल्टीपल गियर्स होंगे, तो ये कंपाउंड गियर ट्रेन कहलाता है। उसके बाद है आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो इसमें क्या होता है, जो पहला गियर है आपका और जो लास्ट गियर है वो एक ही एक्सिस में रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट और जो 4th नंबर का गियर है, ये पहला नंबर का और ये लास्ट है, तो इनका जो एक्सिस है गियर्स का वो सेम है, आप 3D डायग्राम में भी देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट टाइप है आपका एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। अब इससे पहले जितने भी हमने गियर टाइप्स देखे हैं उसमें गियर का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स रहता है एक ही जगह पे, लेकिन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में क्या होता है, कुछ जो गियर्स के एक्सिस हैं वो रोटेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आपका ये गियर ए है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहाँ पर फिक्स्ड है, लेकिन जो गियर बी का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, रोटेट करेगा गियर ए के अराउंड, ठीक है। तो ये वाला जो गियर है वो रोटेट कर रहा है, हैंस जो इसका एक्सिस है ये भी क्या है, रोटेट कर रहा है। तो आप गियर ए को सन गियर बोलोगे और गियर बी को प्लैनेट गियर। क्यों? क्योंकि गियर जो बी है वो क्या है, इस गियर ए के अराउंड रोटेशन लगा रहा है। अब ध्यान देंगे, गियर रिलेशन भी आपको याद रखना है। जैसे कि स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का जो रेशियो है वो जस्ट अपोजिट रहेगा, किसके, आपके नंबर ऑफ टीथ उन गियर्स के बीच। अब ये टेबल भी आपको ध्यान देना है। देखिए, अब इसके जो प्रॉब्लम्स रहेंगी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के, उसको आप इस टेबल में सबसे पहले आपको अरेंज करना होगा, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये आपका गियर ए है, ये गियर बी है, और ये जो है आपका ये वाला जो कंपोनेंट देख रहे हो ये आर्म होगा, ठीक है। आर्म को हम के से डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे जब ये टेबल बनाओगे तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले आर्म को फिक्स कर देना है। तो आर्म को जैसे ही आपने फिक्स किया, उसके बाद क्या है, कोई सा भी एक गियर को आप +1 रोटेशन दे दिए। तो आप ये गियर ए है उसको +1 रिवॉल्यूशन दे दिए हो, ठीक है। तो यहाँ पर
आम का स्पीड कितना हो जाएगा, जीरो। देखिए ये स्पीड बता रहा है, तो आम को आपने फिक्स किया तो इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। अब गियर ए को आपने प्लस वन रिवॉल्यूशन दिया है तो गियर ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, प्लस वन। अब गियर बी का आपको स्पीड चाहिए, गियर बी का स्पीड चाहिए, तो वो कैसे निकालोगे आप, इस रिलेशन से। ठीक है, तो इस रिलेशन के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए एन बी क्या हो जाएगा आपका, एन ए टी ए डिवाइडेड बाई टी बी होगा ये। ठीक है, ये रिलेशन होगा। अब देखिए एन ए की स्पीड कितनी है, प्लस वन, और टी ए डिवाइडेड बाई टी बी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है एक चीज़, यहाँ पर अब ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, देखिए जैसे कि हमने बताया कि यदि आपका ये जो गियर ए है इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो गियर भी एक्सटर्नल गियर्स हैं दोनों, तो गियर भी क्या है, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जैसे कि ये गियर आपका इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो गियर भी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसलिए आपने ये माइनस साइन लगाया है जस्ट दूसरे डायरेक्शन के लिए। अब क्या करोगे, उसके बाद दूसरे में क्या करना है, अब मल्टीप्लाई बाई एक्स रिवॉल्यूशन करना है, तो इसको जीरो के साथ एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मिलेगा, प्लस वन के साथ एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्स मिलेगा, और इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, प्लस वाई इसमें सब में ऐड करना है, तो जीरो प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और इसमें फिर वाई आपको ऐड करना है। तो इस तरीके से आपको टेबल को फॉर्म करना होता है, और फिर आगे इस टेबल की हेल्प से आपको ये इस एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो ये था आपका एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन।